आप नमो कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथ पीछे
पेंसिल लेंगे अपने हाथ पे, यहाँ पर फिर से प्रक्षेपण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं भूसा विधि यज्ञ प्रतिज्ञा करें पुष्पांजलि चिकेतन। अब हम लब्धित का पूजन करेंगे यहाँ पर। अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधवा जलम निर्वामिति ओम नव देवेभ्यः संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति ओम ह्रीं नव देवेभ्यः अक्षय पदार्थाय अक्षतम निर्वामिति ओम ह्रीं नव देवेभ्यः कामवान विदर्शनाय पुष्पम निर्वामिति ओम ह्रीं नव देवेभ्यः चुगारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति ओम ह्रीं नव देवेभ्यः अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति ओम ह्रीं नव देवेभ्यो नमः अष्टकर्मजनाय रूपम निर्वामिति ओम ह्रीं नव देवेभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामिति ओम ह्रीं नव देवेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वामिति योगी पूजन। अब अपन नव देवताओं को अर्घ चढ़ाएंगे, एक एक देवताओं का अर्घ बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहंत परमेश्वरे अर्घ्यम निर्वामिति ओम ह्रीं सिद्ध परमेश्वरे नमः अर्घ्यम निर्वामिति अभी बाद में भी चढ़ाने उसी हिसाब से चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं आचार्य परमेश्वरे नमः अर्घ्यम निर्वामिति ओम ह्रीं उपाध्याय परमेश्वरे नमः अर्घ्यम निर्वामिति ओम ह्रीं साधु परमेश्वरे नमः अर्घ्यम निर्वामिति ओम ह्रीं कृत्यकृत्यं त्रिलोकवर्ती जिन जिनालिभ्यो नमार्घ्यं निर्वामिति ओम ह्रीं त्रिलोकवर्तिनी गीतराग जिनबिम्बेभ्यो नमार्घ्यं निर्वामिति ओम ह्रीं जिनागमेभ्यो नमार्घ्यं निर्वामिति ओम ह्रीं जिन धर्मागर्घ्यं निर्वामिति। अब अपन इसकी जल से शुद्धि करेंगे, धूलचंड की ये जो दंड लगा है इसकी जल से शुद्धि करेंगे। ओम नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो ऐरियाण नमो वज्राण नमो लोकसंसावण चत्तारी मंगलमर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तोदम्मोवलम चत्तारी लोकुत्मा रियंता लोकुत्मा सिद्धा लोकुत्मा साहु लोकुत्मा पणत्तोदम्मो लोकुत्मो चत्तारी शरणं पद्मजमि साहु शरणं पद्मजमि केवली पणत्तोदम्मो शरणं पद्मजमि। ओम ह्रीं क्लीं अनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः पवित्र जल कलयन ध्वजदंड शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं ध्वजदंडं माला मंगल सूत्र वेष्ट्यामि। स्वास्तिक बनाएंगे, thank you.
ओम ह्रीं दधोत्नाय नमः नैवेद्यं निर्पामिति ओम ह्रीं ज्ञानदूताय नमः दीपं निर्पामिति ओम ह्रीं श्रुतधूपाय नमः धूपं निर्पामिति ओम ह्रीं फल ले लेंगे ओम ह्रीं अभीष्ट फल प्रदाय नमः फलं निर्पामिति फल ले लेंगे ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः अर्घ्यं निर्पामिति ऊपर वाले ऊपर से ऊपर से पिक्चर करो ऊपर से ये बार के कह दो धीरे धीरे जो महावीर भगवान की जय चंदा प्रभु भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की जय पारसनाथ भगवान की जय बोलो सुरधन सागर मुनि की जय बोलो मुनि संग की जय मारी नगरी आ गए रे सूरत सागर महाराज मारी नगरी आ गए रे ला 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 दर्शन सबसे पहले गुरु का दर्शन सबसे पहले गुरु के चरण पखारो नित ही गुरु के चरण पखारो नित ही गुरु के द्वारे आज पधारो आ गए रे सोरा सागर महाराज मारी नगरी आ गए रे बोलो मुन राधेपुरी नगरी धन्य हुई राधेपुरी नगरी धन्य हुई गुरुवर जी के आने से गुरुवर जी के आने से भक्त सभी हर्षाए हैं चतुर्मास लगवाने से आ गए सोरा सागर महाराज मारी नगरी आ गए रे सोरा सागर महाराज मारी नगरी आ गए रे ला 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 ला
अरे गुरुवर मेरे प्यारे हैं, गुरुवर मेरे प्यारे हैं सबके, अरे गुरुवर मेरे प्यारे हैं, सुल्तान सागर मेरे प्यारे हैं, भक्तों के राज दुलारे हैं, गुरुवर का आशीष मिला, आशीष सबको मिला मिला, आ गए आ गए आ गए सुल्तान सागर महाराज मारी नगरी आ गए रे, सुल्तान सागर महाराज मारी नगरी आ गए रे, दिल्ली नगर बड़ा प्यारा, ओ ला 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 ला, अरे दिल्ली नगर बड़ा प्यारा, गुरुवर का सानिध्य मिला, गुरुवर के जो चरण पड़े हम सबका सौभाग्य जगा, आ गए सोरत सागर महाराज मारी नगरी आ गए रे, सोरत सागर महाराज मारी नगरी आ गए रे, ला 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 ला, बहुत सुंदर भजन भाई सागर से हमारे बीच पधारे हैं मयूर जैन, बहुत सुंदर भजन के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर अपनी भक्ति रखी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें, और अब एक बार सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम लेने से ही किसी भी सभा की धर्म सभा की शुरुआत होती है, आरंभ होता है, एक बार सभी मेरे साथ मिलकर जोरदार जयकारा लगाएंगे, जय बोलिए मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री सुरतन सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संग की, और सभी अपने अपने स्थान से एक बार गुरुवार को त्रिवार नमोस्तु करेंगे, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, और बाहर से पधारे हुए सभी भाइयों का, मेहमानों का, अतिथियों का, मैं राधेपुरी मंदिर समिति की तरफ से, जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और चलते हैं आज की इस धर्म सभा को और आगे लेकर चलते हैं एक मंगलाचरण के रूप में, हमारी महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती गुणमाला जी जैन एक भजन के माध्यम से, आपने बोला ना, एक भजन के माध्यम से यहाँ गुरुवर के चरणों में अपनी भक्ति प्रस्तुत करेंगी, बोल बोल चंदा प्रभु भगवान की, सूरतन सागर जी महाराज की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूरिया
किसी से भावे ना मन में ना बदले की हो ना जोरे हो ना हम अंधेरे में रोशनी नींदे खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से हम सजा पाए अपने किए की मौत भी हो तो सहले खुशी से कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे आने वाला वो कल ऐसा ना हो लेने के रास्ते पे अपने भूल कर भी कोई भूल हो ना हम ये सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अरेपन फूल खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन अपनी करुणा तू बहाके कर दे पावन एक मन का कोना लेने के रास्ते पे अपने भूल कर भी कोई भूल हो ना हर तरफ जुलम है बेबसी है सहसा सहमा सा हर आदमी है पाप बोझ बढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धरती थमी है ममता से तू उठा ले तेरी महिमा का वो अंत ना हो इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चलने के रास्ते पे अपने भूल कर भी कोई भूल हो ना बहुत सुंदर भजन। और इन्होंने ये महिला मंडल है यहाँ की, इन्होंने जो बात कही है ना बिल्कुल सही कही है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना, क्योंकि गुरुवर का चतुर्मास है और महिला मंडल की ही जिम्मेवारी रहती है चौका लगाने की। तो इनको गुरुवर मैं महिला मंडल की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद दो पूरे महिला मंडल को कि पूरे चतुर्मास हंसी खुशी निर्विधन हमारे यहाँ चौका लगता रहे। सभी मन से कार्यरत हैं, बहुत बहुत धन्यवाद महिला मंडल का।
भाई सतीश जी जैन पत्रकार जनभावना संदेश हमारे बीच में आए हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और यह एक सूचना भी लेकर आए हैं हमारे पास कि हेडगेवार भवन शंकर नगर, जहां पर आज का प्रोग्राम होना निश्चित हुआ था, वहां पर होना तो वहीं था, बड़ा प्रोग्राम होना था, बहुत तैयारियां भी कर रखी थी कमेटी ने, लेकिन हमारी कमेटी के महामंत्री भाई श्री राकेश जी जैन पुष्प, उनकी धर्मपत्नी का आकस्मिक निधन होने के कारण हमें प्रोग्राम थोड़ा सूक्ष्म रूप से यहाँ मंदिर जी में करना पड़ रहा है। और वहाँ पर सैकड़ों लोग, जैसा भाई सतीश ने बताया, वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ के प्रांगण में हैं। अगर किसी के पास कोई फ़ोन आता है या किसी के नंबर की कोई व्यवस्था है तो उन्हें जानकारी दे दें कि प्रोग्राम, हमने वैसे बहुत कोशिश करी कमेटी ने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना दी जाए कि प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और राधेपुरी मंदिर में है, फिर भी वहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं। अगर किसी भाई के पास कोई फ़ोन आता है तो ये जानकारी उन्हें दे दें कि प्रोग्राम मंदिर जी में है। और राधेपुरी को ये चतुर्मास गुरुवर का मिला है, 3 साल से कमेटी प्रयासरत थी, बहुत प्रयत्न करने के बाद मुनि श्री सुरतन सागर जी मुनिराज का चतुर्मास राधेपुरी को मिला। मैं निवेदन करता हूँ राधेपुरी मंदिर कमेटी से, वे आए गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करें और भावना भाएं कि गुरुवर हमारा ये चतुर्मास इतना अच्छा रहे कि जो हमने पिछले 5 चतुर्मास कराए हैं उनसे भी ऊपर जाए, ऐसी भावना करें समस्त मंदिर कमेटी राधेपुरी। उदक चंदन तांदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलाग ग्रह धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृह मुनि राज महम जजे। ओम ह्रीम श्रीम साक्षात विराजमान मुनि श्री सुरतन सागर जी मुनिराज ससंग के चरणारविंद राधेपुरी चतुर्मास मंगल में हो तू, अर्घम निरपामती स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और इसी श्रृंखला में महिला मंडल राधेपुरी, वे भी आए गुरुवर को श्रीफल अर्पित करें। जैन युवा संगठन राधेपुरी, वे भी आए और गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद लें। ओम ह्रीम श्रीम साक्षात विराजमान मुनि श्री सुरतन सागर जी मुनिराज के चरण में जल फल मर्गम निरपामती स्वाहा। बालिका मंडल राधेपुरी, अगर उनकी भी कोई सदस्य यहाँ मौजूद है तो वे आए। अनेकों समाज से हमारे बीच उनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, राकेश जी का, हमारे पद्मावती वाले भाई, महिला मंडल। हमारे भाई श्री राकेश जी जैन पद्मावती, वे भी अपने भजन के एक माध्यम से यहाँ गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। और जहाँ हाजिरी की बात आती है वहाँ मैं भी पीछे नहीं रहता, 2 लाइन के माध्यम से गुरु चरणों में
मैं भी हाजिरी लगाऊंगा। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहां कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहां कोई, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। आइए भाई राकेश जी जैन पद्मावती। बोले श्री महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य श्री गणाधिपति गंदलाचार्य कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सूरतन सागर जी महाराज की जय। हेलो, अब मैं आपके सामने एक भजन सुना रहा हूँ, बहुत बढ़िया। सब भाई ध्यान से सुने, जो जीवन की सच्चाई है ना वो सबके सामने आ जाएगी। अब आदमी कोई रिश्तेदार कोई भाई बहन कोई किसी का नहीं है, जो साथ में जाना है सिर्फ धर्म से जाना है, वो सुनने की बात है। सब भाई जरा ध्यान से सुने। रे बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा, रे बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा, माता बहना चाची ताई मतलब का जग सारा, माता बहना चाची ताई मतलब का जग सारा, पिता पुत्र और भाई जमाई, पिता पुत्र और भाई जमाई सब कर जाए किनारा, रे बिन धर्म जगत साथी है कौन हमारा, बिन धर्म जगत में साथी है कौन से ले धरती पे डाला, उठा तुझे बिस्तर ऊपर से ले धरती पे डाला, खींच खींच और कस के बांधे, खींच खींच और कस के बांधे, रहा न कोई सहारा, ये बिन धर्म जगत में साथी है कौन धर्म जगत में साथी है कौन ले जावे जा शमशान उतारा, उठा तुझे मरघट ले जाके जा शमशान उतारा, पिता पुत्र और भाई तुम, उठा तुझे मरघट ले जाके जा शमशान उतारा, उठा तुझे मरघट ले जाके जा शमशान उतारा। उठा तुझे बिस्तर
सर ऊपर से दासम शान उतारा, उठा तुझे बरगद ले जाके जासम शान उतारा, लकड़ी चिन चिन के आग लगा दी, लकड़ी चिन चिन के आग लगा दी, पास पुत्र ने मारा, ये बिन धर्म जगत में साथी है कौन भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन भाई राकेश जी जैन द्वारा। और अब मैं निवेदन करता हूं श्रीमान श्री भूषण जी जैन, श्री राहुल जैन कृष्णानगर, वे आए और गुरुवर का आशीर्वाद लें। इनके परिवार से अगर कोई और है यहां पर आए हुए हैं तो वे भी आए, गुरुवर से आशीर्वाद लें। ये हमारे आज के स्वागताध्यक्ष हैं। निवेदन करता हूं कमेटी के प्रधान श्री अमरचंद जी जैन से, श्री राकेश जी जैन पद्मावती, भाई भरत जैन, वे इनका स्वागत अभिनंदन करें, तिलक लगाकर माल्या अर्पण करें, पहले श्रीफल दें। और इसके पश्चात चित्र अनावरण के लिए निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान श्री मुन्नालाल जी प्रदीप कुमार जी जैन कृष्णनगर और श्री बुद्ध सेन जैन, श्री दिलीप जैन राधेपुरी, वे आज के इस चित्र अनावरण के लिए आ जाएं। सर्वप्रथम गुरुवर को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें, ये दोनों परिवार यहां पर आ जाएं। महिला मंडल से गुलमाला जी, महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती गुलमाला जी जैन यहां पर आए और श्रीमती भूषण जी जैन का अभिनंदन करें। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, हम बंधन हेलो हेलो, हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, गुरुवर सा बनने को तेरा अर्चन करते हैं। और एक मिनट मुन्नालाल जी, और मैं निवेदन करता हूं हमारे आज के स्वागताध्यक्ष श्री भूषण जी जैन, श्री भूषण जी जैन हमारे स्वागताध्यक्ष, वे यहां पर आए और हमारे भाई प्रदीप जी का और दिलीप जी का स्वागत अभिनंदन करें। भाई प्रदीप जी जैन, स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते
आस तुम्हारा गले में माला पहनाओ कि मंगल स्वागत है। और दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं भाई श्री पदम कुमार जी जैन, दीपक जैन, मंगलम जैन, श्री प्रणव कुमार तरुण, हर्ष जैन। ये दोनों परिवार यहां पर आए, गुरुवर को श्रीफल अर्पण करें, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ा आगे आगे आ जाइए सभी लोग। देखिए आप सभी लोग से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, जिससे कि जो बहन भाई पीछे आते जा रहे हैं उनको बैठने की व्यवस्था मिल सके। आप लोगों से निवेदन है थोड़ा सा आगे हो जाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। भाई श्री भूषण जैन जी से निवेदन, वे आए और भाई श्री प्रणव जैन जी का तिलक लगाकर माला अर्पण कर अभिनंदन करें। और महिला मंडल की अध्यक्ष महामंत्री श्रीमती सुनीता जैन, वे आए और रेखा जी जैन का अभिनंदन करें। रात गुरु जी मेरे सपने में आए, रात गुरु जी मेरे सपने में आए। अखियां खुल गई, अखियां खुल गई, सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा। रात गुरु जी मेरे सपने में आए, रात गुरु जी मेरे सपने में आए। आजाद नगर से वहां की निगम पार्षद श्रीमती कंचन महेश्वरी हमारे बीच यहां आज के प्रोग्राम में उपस्थित हैं, गुरुवर से आशीर्वाद ले रही हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और साथ में श्रीमती सोनिया जैन, अध्यक्ष स्यादवाद महिला मंडल शंकर नगर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और निवेदन करता हूँ गुणमाला जी जैन, सुनीता जी जैन से, वे आए और तिलक लगाकर माल्यार्पण कर इनका स्वागत अभिनंदन करें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, वंदनम वंदनम वंदनम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, वंदनम वंदनम वंदनम। और चलते हैं कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर। गुरुवर विराजमान हैं, सभी परिचित हैं दिल्ली शहर में, गुरुवर श्री सुरतन सागर जी मुनिराज से। किसी परिचय की जरूरत नहीं होती जब पीछे का मंडल हाथ में आ जाता है, फिर भी दो लाइन के माध्यम से अपनी भावना गुरुवर के चरणों में रखता हूं। सबको अपना कर लेते हैं, एक मीठी मुस्कान है ये,
रहती है ना गुरुवर के चेहरे पे मुस्कान, जैसे गुरुवर के चेहरे पे मुस्कान रहती है, सबको अपना कर लेते हैं एक मीठी मुस्कान है ये, हर मंजर पर छा जाते हैं मुरली की मीठी तान है ये, हर कोई संग चल देता है एक ऐसा आह्वान है ये, गुरु हमारे मन मंदिर में गुरु हमारी शान है ये। और आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे कृष्णानगर जैन समाज के प्रधान श्री महेश कुमार जी और श्री राजेश कुमार जी और उनकी कार्यकारिणी मंडल जो भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं वे आए गुरुवर से आशीर्वाद लें। कृष्णानगर जैन समाज के प्रधान श्री महेश जैन, उनके साथी श्री राजेश जैन और जो भी उनके सदस्य साथीगण यहाँ हैं, और निवेदन करता हूँ श्री भूषण जी जैन से, भाई एक मिनट, श्री भूषण जी जैन से वे आए और श्री महेश जी का श्री राजेश जी का स्वागत सम्मान करें। सभी भाई अगर थोड़ा थोड़ा आगे हो सकते हैं, जितनी जगह बन सकती है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, महिलाएं भी पुरुष भी, ताकि पीछे बैठने की व्यवस्था बन सके। जगह छोटी है हम समझ सकते हैं, प्रोग्राम बड़ा है, बाहर से भी बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी कि प्रोग्राम चेंज करना पड़ा, उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी भी हैं, व्यवस्था यहाँ कम है। और रघुवरपुरा से हमारे बीच मंदिर कमेटी के प्रधान श्री सुरेंद्र कुमार जी और उनके सभी साथीगण, निवेदन करता हूं वे आए श्रीफल अर्पण कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई श्री भरत जी जैन, उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी भी मंदिर जी से, धर्मपुरा जैन समाज से वहाँ के भी अध्यक्ष प्रदीप जैन, श्रीमान प्रदीप जैन यहाँ पर हैं और उनके साथीगण जो भी यहाँ पर हैं वे आए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्मपुरा जैन मंदिर श्रीमान श्री भूषण जी जैन से निवेदन, वे आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और बहुत जगह से बहुत से लोग, बहुत कमेटियां हमारे बीच आई हुई हैं, मैं नाम बोल रहा हूं, सभी संयुक्त रूप से यहां पर आकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी नगर सुभाष चौक मंदिर कमेटी से जो भी सदस्य पदाधिकारीगण को मौजूद हैं वे आए गुरुवर का आशीर्वाद लें। राजगण मंदिर कमेटी से जो भी सदस्य मौजूद हैं वे आ जाएं। बिहारी कॉलोनी मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण यहाँ पर आए गुरुवर का आशीर्वाद लें। शांति मोहल्ला मंदिर से जो भी भाई
मंदिर से समाज से हमारे बीच हैं वे आए और गुरुवर का आशीर्वाद लें। भोलानाथ नगर मंदिर कमेटी के जो भी सदस्य पदाधिकारीगण मौजूद हैं वे भी आ जाएं और महामृत्युंजय मंडल रघुवरपुरा उसके भी पदाधिकारीगण सदस्य यहां मौजूद हैं वे आए गुरुवर का आशीर्वाद लें। रघुवरपुरा से श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से जो भी आए हैं वे आए और गुरुवर का आशीर्वाद लें। राजगढ़ कॉलोनी से श्रीमती सुषमा जी जैन श्रीमती सोनिया जैन यहां पर हैं वे भी आए और गुरुवर का आशीर्वाद लें। नयन महिला मंडल से जो भी महिलाएं यहां पर हैं वे आए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। वर्धमान महिला मंडल की जो भी सदस्याएं पदाधिकारीगण यहां मौजूद हैं आए गुरुवर का आशीर्वाद लें। शांतिनाथ महिला मंडल से जो भी सदस्याएं हैं वे आए गुरुवर का आशीर्वाद लें और महिला मंडल से श्रीमती गुणमाला जैन श्रीमती सुनीता जैन आए। क्या तमन्ना होती है कि भगवान तो हमारे समक्ष नहीं है लेकिन चलते फिरते भगवान हमारे सामने हमारे गुर्दे। उंगली पकड़ मेरी, रास्ता दिखाते हैं। कभी तो ये गुरुवर माजी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर माजी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री अक्षर सुरत्न सागर जी गुरु महाराज की जय हो। कानून है क्या, दो लाइन के माध्यम से बात कहता हूं। कानून है क्या और कायदा है क्या, तेरा मुझसे मेरा तुझसे वायदा है क्या। इतना सुंदर भजन दीदी ने सुनाया और हम ताली ना बजाएं तो फायदा है क्या। नवीन भैया हमारे बीच में बुलंद शहर शिकारपुर से श्रीमान महेश चंद जी जैन आ चुके हैं। यहाँ पर आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान महेश चंद जी जैन शिकारपुर। अरे वर्तमान प्रधान जी से कि वे पूर्व प्रधान जी का तिलक लगाकर माल्य अर्पण कर स्वागत करें और उनके साथ भाई श्री प्रमोद जी जैन श्री सुदेश जैन मुन्ना वे भी आए। हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, गुरु साबन जाने को तेरा पूजन करते हैं। हम वंदन करते हैं हम पूजन करते हैं, हम वंदन करते हैं हम पूजन करते हैं, गुरु साबन जाने को तेरा पूजन करते हैं। और महिला मंडल की दो तीन सदस्याएं आ जाएं और भाभी जी उषा जी जैन का और उनकी साथ उनकी बहुरानियां हैं उनका
तिलक लगाकर माल्या अर्पण करके अभिनंदन करें। हेलो भैया, भैया ये माइक की आवाज ठीक करना इसको। हेलो हेलो बंद। हमारे भाई और चलते हैं आज की इस सभा को लेकर। अभी कुछ दिन पहले किसी से चर्चा हो रही थी कि महावीर, हमारे जो वर्तमान शासक हैं महावीर भगवान, उनकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। हमारे भगवान महावीर से किसी की तुलना नहीं हो सकती। अपनी भावना से दो लाइन व्यक्त करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो है प्रकाश पुंज वीत राग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज वीत राग ज्ञान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। और चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए मुनि श्री यक्ष्वाकु रत्न सागर जी महाराज की। बोलिए समस्त मुनि संघ की। मेरे भाव कैसे हैं देखिए, मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर, तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर, जाने कब से सजाए हुए हैं। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर, तलक यूं तरसते रहे हम। ए गुरु हेलो, ए गुरु जरा मुख से कह दो, कब तलक यूं तरसते रहे हम। जान के तने को दर्शन दिया है, जान के तने को दर्शन दिया है। आश हम भी लगाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर।
हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास कर ही लिया है। तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे। दिल में अरमां सजाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर, जाने कब से सजाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर। बोलिए मुनि श्री एकशा सुरत्न सागर जी महाराज की। साउंड वाले भैया पहले आप अपना सिस्टम ठीक कीजिए, इसका फ्लो कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे जा रहा है। और गुरुवर की एक मिनट, मम्मी जी एक मिनट आप रुको, यहाँ रुको दो मिनट, आप बैठो। गुरुवर की माता जी फिरोजाबाद से हमारे बीच पधारी हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जब माता जी आई हैं तो मन में भाव उठ रहे हैं कि माँ के लिए भी दो लाइन मुझे यहाँ से बोलनी चाहिए। और ये तो ऐसी माँ है जिन्होंने मुनि श्री सुरतन सागर जी जैसे मुनिराज को ऐसा रतन हमारे समाज को दिया है। माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती, माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती, सचमुच में माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती, सचमुच में माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। मेरी माँ भी यहाँ बैठी है, उनके चरणों में भी निवेदित है। माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती, सचमुच में माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। माँ की जुबा पर कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो बच्चों से कभी खफा नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी उषा जी जैन का। और छुल्लक जी के परिवार से, गृहस्थ जीवन से, श्रीमान श्री रोहित जैन गुड़गांव से और श्रीमती सरोज जी जैन आगरा से हमारे बीच हैं, वे आए। आए गुरुवर को श्रीफल अर्पण करें। बहुत पुराने परिचित हैं दिनेश भाई हमारे, लेकिन हमें आज ही मालूम पड़ा कि ये मधु दीदी के चाचा और चाची हैं। भाई श्री सुदेश जी जैन मुन्ना वे आए और इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और महिला मंडल से भी एक सदस्य आ जाएं और स्वागत अभिनंदन करें। अभी भजन के माध्यम से सीमा दीदी हमें बता रही थी मुझे आवासी आवाज आ रही है कि पहले इनको मामा के नाम से जाना जाता था और अब इनको चाचा के नाम से जाना जाएगा। और अभी सीमा दीदी भजन के माध्यम से बता रही थी कि हमें इस चतुर्मास को सफल बनाना है सबने मिलकर। तो ये चतुर्मास कैसा जाएगा दीदी, दो लाइन में बताता हूं। हर दिन त्योहार होगा और हर रात दिवाली होगी। राधेपुरी के इस चतुर्मास में हर दिन त्योहार होगा और हर रात दिवाली होगी। और राधेपुरी के इस चतुर्मास की तो दीदी बात ही निराली होगी। और चलते हैं ऐसे गुरुवर के चरणों में। गुरुवर के चरणों में, गुरुवर के चरण छूने को जो लोग ललायित रहते हैं कि दो मिनट एक मिनट क्षण भर के लिए हमें गुरुदेव के चरण छूने को मिल जाएं, ऐसी भावना हमारे मन में रहती है।
ऐसे गुरुदेव का पाद प्रक्षालन आज यहाँ पर इस चतुर्मास के आरंभ की मंगल बेला पर होगा। सभी लोग बोली के माध्यम से चयन किया जाएगा कि आज का पाद प्रक्षालन का सौभाग्यशाली जीव कौन होगा, पुण्यशाली जीव कौन होगा। आप सभी अपना अपना मन बना लें, मन खोल लें। अभी दो मिनट के पश्चात यहाँ पर बोली के माध्यम से उसका चयन किया जाएगा। और हमारे भाई श्री सतीश जैन जी पत्रकार जनभावना संदेश के हैं जो हमारे बीच हैं और यहाँ गुरुवर के चरणों में विनयांजलि अर्पित करना चाहते हैं, दो शब्द रखना चाहते हैं। काफ़ी देर से मुझे कह रहे हैं पर समय मुझे नहीं मिल पाया। आइए भाई सतीश जी जैन हमारे बीच। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। चतुर्मास का प्रारंभ एक समारोह के रूप में होता है और समापन वो भी एक समारोह के रूप में होता है। शुरुआत जब होती है तो लड्डू एक होता है, खुशियों के मौके पे वो बांटा जाता है। कभी भी कोई बात होती है तो बोलते हैं कि यार लड्डू कब खिला रहे हो, लड्डू कब खिला रहे हो, लड्डू कब खिला रहे हो। वो बूंदी के रूप में बिखरा हुआ होता है। एक लड्डू ही एक ऐसा है जो लोगों को आपस में जोड़ना सिखाता है, बांधना सिखाता है। बाकी तो मिठाइयां हैं, कोई काटना सिखाती है, कोई टूटना सिखाती है, लेकिन लड्डू ही एक ऐसा है जो जोड़ना सिखाता है। चतुर्मास की स्थापना होती है लड्डू को जोड़ने के लिए। आज का जो कार्यक्रम है वो इसलिए है कि महाराज श्री अपने चतुर्मास के दौरान सबको धीरे 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 एक लड्डू के अंदर ले आएंगे। वैसे तो राधेपुरी का समाज जब से बना है तब से एक ही है, लेकिन वो अपने उसके अंदर प्रेरणा डाल के उसको और मजबूत करेंगे। समापन होता है हमारा दीपावली पे, भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर में लड्डू चढ़ाया जाता है। लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है? वो केवल इसीलिए चढ़ाया जाता है कि हमने जो चतुर्मास के दौरान मुनि श्री से ज्ञान लिया है उसको हमने एकत्रित किया है, और वीर प्रभु आप हमारी विनती को स्वीकार करें और हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा करके हमारा कल्याण करें। तो मुनि श्री आज लड्डू बांधना शुरू करेंगे और दीपावली पे उसका निर्वाणोत्सव के रूप में उसको भगवान महावीर के चरणों में अर्पण कराएंगे। नमस्ते महाराज सब। हेलो, बहुत सुंदर बात भाई सतीश जी जैन ने कही। बस एक ही बात में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा कि वो जो लड्डू है ना वो महाराज जी को नहीं बनाने, वो समाज को बनाने हैं और महाराज श्री को खिलाने हैं, क्योंकि महाराज श्री हमारे बीच हैं और कोई महाराज श्री चौके में लड्डू नहीं बनाते। लड्डू हमें सबको बनाने हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई सतीश जैन का जिन्होंने लड्डू के माध्यम से हमारा मुँह मीठा कराया इस चतुर्मास आरंभ के मंगल बेला पर। और अब चलते हैं गुरु चरणों की ओर। जिन चरणों में आश्रय पाकर मिलता आत्मगमन है, जिन चरणों की रज में प्रमुदित वसुधा और गगन है, जिनके शुभ आशीष को पाकर होता कर्म शमन है, ऐसे गुरु के चरण कमल में शत शत बार नमन है। ऐसे गुरु के चरण कमल में शत शत बार नमन है। और ऐसे गुरु के चरण कमल का पाद प्रक्षालन करने का मौका आज हमारे बीच है। बोली के माध्यम से उस पुण्यशाली जीव का पूरे परिवार को उसका मौका मिलेगा। चयन करते हैं, 1100 रुपए से बोली आरंभ करता हूं। पंचायती बोली 1100 रुपए, 11111 रुपए। भाई दो तीन हमारे कमेटी के सदस्यगण बीच में आ जाए, एक दो जने आ जाओ बीच में भाई, कोई बात नहीं। भाई श्री सुरेंद्र जी जैन वे आ जाएं, और अगर पीछे से कोई मानुभाव बोली बोलते हैं तो मुझ तक पहुंचा दें। 11111 रुपया आज के पाद प्रक्षालन के लिए, 11111 रुपया। अपना अपना मन बना लें,
11111 रुपया एक, 11111 रुपया दो, 11111। अरे सुनो भाई जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, माया ना जाएगी तेरी काया के साथ, माया ना जाएगी तेरी काया के साथ। अरे सुनो भाई जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, माया ना जाएगी और तेरी काया के साथ, माया ना जाएगी और तेरी काया के साथ। अरे तन धन तेरा, तन धन तेरा यही रहेगा, कुछ ना जाएगा साथ, माया ना जाएगी और तेरी काया के साथ, माया ना जाएगी और तेरी काया के साथ। अरे सुनो भाई जी, अब जिद छेड़ो, मान लो मेरी बात, माया ना जाएगी। हेलो, 11111 रुपया, शीघ्रता के साथ अपना मन बनाए, 15115 रुपया, 15115 रुपये, जोरदार तालियां एक बार बजा दें भाई। पंद्रह हजार एक सौ पंद्रह रुपये एक, समय की अपनी एक समय सीमा है, जिनका मन है शीघ्रता के साथ बोले, 15115 रुपये एक, 15115 रुपये दो, 15115 रुपये ढाई, बोली जा रही है भाई, है किसी का मन? और 15115 रुपये एक, 15115 रुपये दो, 15115 रुपये ढाई और 15115 रुपया तीन, नाम बताएं। श्रीमान अनिल कुमार जी जैन विश्वास नगर से, जिन्होंने ये बोली लेकर आज के पाद पक्ष चलान का सौभाग्य प्राप्त किया, वे आए गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। और भाई श्री सुरेंद्र जी जैन, इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और सुभाष चौक शकरपुर, सुभाष चौक और शकरपुर से वहां की कमेटी के पदाधिकारीगण सदस्यगण यहां पर हैं, उनसे निवेदन करता हूं वे आए और गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। झुकाते हैं गुरु का नाम, बड़ा प्यारा, चलो
कदम इसी से झुकाते हैं। स्थापना हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई माली नया बगीचा लगाता है, बीज अर्पण करता है, बीज बोता है और फसल का इंतजार करता है। तो मुझे भी आज ऐसे ही महसूस हो रहा है कि आज हमारा यहाँ पे बीजारोपण हो रहा है गुरुदेव के माध्यम से इस चतुर्मास में। कहता हूँ दो लाइन के माध्यम से गुरुदेव से ये बात कि संगीत सिखाया है तो सांस देते रहना। ये बीज अर्पण आप गुरुदेव आज यहाँ कर रहे हैं। संगीत सिखाया है तो सांस देते रहना और पौधे लगाए हैं तो खाद देते रहना। संगीत सिखाया है तो सांस देते रहना और पौधे लगाए हैं तो खाद देते रहना। ये भक्त रूपी पौधे मुरझा न जाए गुरुवर, इसीलिए कहता हूँ मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते रहना। और शास्त्र भेंट के लिए हमारे बाऊजी श्रीमान श्री सुबोध जी जैन, श्रीमती सरोज जैन परिवार व्यायाम। तुझे तीर्थ उती क्षेत्र से बिहार हुआ, संपूर्ण बिहार में वो गुरुदेव के साथ रहे, बहुत अच्छी मेहनत की, गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। वे भी आए और गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। नहीं मिलते न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते। कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते, उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। सभी अपने अपने स्थान से त्रिवार गुरुदेव को नमोस्तु करेंगे और आज के इस मंगलवाणी का लाभ लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे, आ जाओ आगे, थोड़ा आगे आगे आ जाओ। आ जाओ आज जो खड़े हैं, आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ रेडमो आइरे हं ताणम रेडमो सिद्धाणम रेडमो आयरियाणम इडमो उवज्झायाणम इडमो लोए सौवसाहुनम मंग
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम् प्रधानाम्य सर्व धर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् वंदे श्रीमति सागिरम् वंदे सौभाग्य सागिरम् अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की चंदप प्रभु भगवान की महावीर भगवान की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परम्पराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की महानुभाव अभी चतुर्मास के विषय में बोल रहे थे कि चतुर्मास में लड्डू बनाने की भूमिका को करना है क्यों जी ठीक है। अभी हम इन दिनों में लड्डू बनाएंगे और जो भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव होगा तो लड्डू को चढ़ा भी थे। हाँ पार्श्वनाथ का भी आ रहा है, सांसनाथ जी का भी आएगा, बासपूत जी का भी आएगा, पुष्पदंत जी का भी आएगा, बीच में समय समय जितने जिनते बनते जाएंगे बित्ते बित्ते चढ़ाते जाएंगे, क्यों ना मी जी ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात चतुर्मास की ये है, जब ये चतुर्मास प्रारंभ होता है और जब चतुर्मास का जो द्वितीय दिन होता है वह वीर शासन जयंती के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर के नाम को लेकर चतुर्मास का श्री गणेश होता है और इस चतुर्मास का समापन भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक से होता है। ये तो आध्यात्म की बात रही और इस चतुर्मास के दौरान अभी नवीन जी बोल रहे थे वृक्षारोपण बीजारोपण भी हो रहा है। क्या हो रहा है? वृक्षारोपण बीजारोपण। देखो भाई मैं तो यहां पर माली का काम करने आया हूं। क्या काम करने आया हूं? माली का काम करने आया हूं। एक राधेपुरी में तभी बीजारोपण हो गया था जब इस मंदिर का शिलान्यास हो गया था, तभी यहां पर धर्म का बीज पड़ गया था और सने सने 5 वर्षों से यहां पर चतुर्मास हो रहे हैं तो हर साधु यहां पर अपना अपना पानी अपना अपना खाद लगा कर जाता है। तो भाई मैं भी यहाँ पर प्रयास करूँगा आपके जो लगे हुए पौधे हैं उनको थोड़ा वह सुरक्षित करने का प्रयास करूँगा, उनमें मैं समय समय पर पानी भी दूंगा खाद भी दूंगा और आध्यात्मिक की बात भी करूँगा।
तभी ये चतुर्मास हमारा सफलता को निकलेगा। वैसा देखा जाए ये चतुर्मास साधकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और 8 माह तक तो साधु विहार करते हैं, पर यह मात्र 4 माह ऐसे होते हैं ये श्रावकों के किसमें बंध जाते हैं, भक्ति में बंध जाते हैं। वैसे साधुओं को जंगलों में रहा करते थे, तो जंगलों में जब प्रवास था, मात अपनी सिद्धि भक्ति पढ़ी, योग भक्ति पढ़ी, दिशा वंदन किया और चतुर्मास वहीं से उन्हें अपना प्रारंभ कर दिया और आत्म साधना में लग गए। कि जब समय का परिवर्तन होता गया, साधुओं का सहनन कमजोर होता गया, अब वो नगर में जाकर चतुर्मास करने लगे। आपके बीच में जिससे श्रावक भी अपनी धर्म चर्चा में रहे, धर्मचर्या में रहे, और साधु भी स्वाध्याय आदि में तल्लीन रहे। एक बहुत विशेष बात है चतुर्मास का महत्व तो और जुड़ जाता है। जब ऋषभदेव भगवान अपने ग्रस्त जीवन में थे, तब ऋषभदेव भगवान ने चतुर्मास के प्रारंभ में ही ऋषि मसीह कृषि आदि वाणिज्य आदि का उपदेश भी दिया था ग्रस्तों के लिए। मुनियों के लिए भी आवश्यक है और ग्रस्तों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि कहा है कि डाल से चूका बंदर और चौमासे से चूका हुआ किसान कभी अपने को संभाल नहीं पाता है। ये हमारा जो देश है, हमारा जो नगर, हमारा जो भारत है, यह कृषि प्रधान देश है। अगर बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। तो यह मैं समझना, यह साधुओं का ही चतुर्मास है। यह चतुर्मास किसका भी है? ग्रस्तों का भी यह चतुर्मास है। ग्रस्त भी इसमें अपनी साधना किया करते हैं। तो बंधुओं, मौका मिला है, 3 वर्षों से मैं कोशिश भी कर रहा था, कमेटी भी कर रही थी, मेरी भी कोशिश थी, ऐसा मत कहना महाराज की कोशिश नहीं थी। पिछली बार तो पूरी थी मेरी कोशिश, पर सहयोग नहीं मिल पाया, ऐसे कारण नहीं बन पाए, चतुर्मास नहीं हो पाया। पर इस बार कहते ना, इस बार तो ब्याज में मिल गया, मेहनत अधिक करनी पड़ी। पिछली साल तो मैं दिल्ली में ही था, इस बार तो मैं 350 किलोमीटर चलकर रख इधर राधेपुरी में चतुर्मास करने के लिए आया हूँ। दोनों ने श्रम किया है, आपने भी किया है और हमने भी किया है। तो महान बाबू, ये मैं तो ये कहूंगा, यह दिल्ली चतुर्मास की मेरी हैट्रिक है। कौन सी है? हैट्रिक ही बोलेंगे इसको अपन। पहला चतुर्मास इसी मंदिर में मैंने इसी स्थान से घोषणा की थी, रघुवरपुरा में किया था। दूसरा चतुर्मास आपके बगल में ही जुड़ा हुआ कृष्णा नगर है, वहां पर किया था। अब तीसरा चतुर्मास कहाँ कर रहा हूँ? राधेपुरी में कर रहा हूँ। तो महान बाबू, आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँ, समय अपनी गति से चल रहा है, कि आप अपने जीवन में इस चतुर्मास के समय में मात्र इतना ही अवश्य कर लेना, जहां जहां निर्गंत साधुओं के चतुर्मास हो रहे हैं, उन समस्त साधुओं के दर्शनार्थ करने के लिए एक बार अपने जीवन में इस चतुर्मास काल में अवश्य जाना। क्योंकि इस बार दिल्ली का बड़ा सौभाग्य है कि पहले तो यह सुना जा रहा था कि दिल्ली में इस बार चतुर्मास बड़े कम है, साधु नहीं है, सारे साधु निकल गए। पर ऐसा मौका मिला कि इस साल दिल्ली में करीब 100 से ऊपर पीछियां NCR में चतुर्मास कर रही है। सबसे बड़ा संघ तो गाजियाबाद में आचार्य विराग सागर जी महाराज का है, जहां पर 70 पीछियां चतुर्मास कर रही हैं, 100 से ऊपर ही निकल जाएंगे। और इस बार गांधीनगर क्षेत्र का देखें तो साल बीच में शंकर नगर ही बचा है, कहां से धर्मपुरा में छूट गया, कहाँ बचा है? शंकर नगर और राजगढ़ बचा है, और रघुवरपुरा से लेकर और यहाँ तक सभी साधुओं का चतुर्मास है।
रघुवरपुरा में माता जी का है, शांति मोहल्ला में संकल्प भूषण जी का है, और बगल में किसका है, सौरभ सागर जी का है, और थोड़ा इधर चलेंगे तो हमारा पड़ जाएगा, और उधर चलेंगे तो आपकी माता जी भोलानाथ नगर विराजमान है। और मैं तो यही कहूँगा, अगर दिल्ली वाले अगर रोज अगर नियम ले लें कि ऐसे साधुओं के पास वंदना करने जाना है, तो मैं कहूँगा इनकी यहाँ बैठे बैठे शिखर जी की वंदना ही हो जाएगी, इतने साधुओं का दर्शन करने को मिलेंगे, क्योंकि दिगंबर साधु जहाँ रुकते हैं वहां पर तीर्थ बन। पूछा तो गुरु महाराज ने कहा, पहले समाज में जो संकट की घड़ी है, जो शोक का विषय है, पहले उसको अपन देखें, उसके बाद, क्योंकि प्रोग्राम तो होते रहते हैं, पर जिसके स्थान से जिसके दिल से वो चीज़ गई है वो निकलने वो बस समय लगता है। तो मैं आप लोगों से भी इतना कहना चाहूँगा, ये चतुर्मास बड़ा ही आनंदमय होगा, बड़ा ही मंगलमय होगा, बड़ी साधनापूर्ण होगा। आप सभी लोग इस चतुर्मास में आएँ और अपने जीवन को मंगलमय बनाएँ। और 24 जुलाई से, क्यों प्रधान जी, 24 जुलाई से यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें अध्यात्म प्रवचन माला, 2 सालों से हम लोग चतुर्मास कर रहे थे तो वैराग्य प्रवचन माला चल रही थी, पर इस साल कुछ परिवर्तन करने का सोचा, क्योंकि जब देश बदल रहा है, क्या बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश के संविधान बदल रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा मैं भी बदलाव कर लूँ। लोगों को बहुत वैराग्य हो गया, और वैसे भी वैराग्य तो हो ही रहा है, लोगों की दुकान ही नहीं खुल रही है, जैसे जा रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने क्या लगा दी है, GST लगा रखी है, सभी लोग व्याकुल हैं, सभी परेशान हैं, कैसे क्या करें, सभी चिंतित हैं। तो मैंने कहा ये चिंता की समय में मात्र एक ही ऐसा प्याला है, इनको अध्यात्म की बातें बताओ, इसको आत्मा से जोड़ने का प्रयास करो। तो मैंने सोच लिया इस बार चतुर्मास के दौरान अध्यात्म प्रवचन माला 24 जुलाई से और 7 दिसंबर तक यहाँ पर संपन्न होगी, नहीं 7 अगस्त तक संपन्न होगी, जिसमें बीच में भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव, रक्षाबंधन आदि जो प्रोग्राम जो होंगे बीच बीच में होंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो हमारे पूर्वाचारों ने जो हमको अध्यात्म का प्याला पिलाया है, जो हमको अध्यात्म की बात बताई है, क्योंकि मनुष्य जीवन में अध्यात्म से जुड़ा जा सकता है और अध्यात्म को जीवन में उतारा भी जा सकता है, तो क्यों ना हम इन दिनों में अध्यात्म की बातें सुने, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की बातें सुने, आचार्य हमारे जो पूर्वाचार्य हैं उनकी बातों को सुने और अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को आगे के मोक्ष में अग्रसर करें। तो मैं आप लोगों से बस इतना, जो भी जहाँ जहाँ से लोग आए हैं वो पर्चा आपको होगा ना, रघुवरपुरा से भी है चुका हूँ, पर आचार्य भगवान कहते हैं समय की कुछ मर्यादा कुछ सिस्टम होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जब चतुर्मास स्थापित की जाती है आपातकालीन में कुछ समय की मर्यादा ली जाती है, तो आचार्य महाराज के आदेशानुसार दिशाबंधन हमने संपन्न की, उसमें दिशाबंधन के जो आदेश मिला 35 किलोमीटर का सफर पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर करेंगे, और ऊपर का भी निर्णय किया और नीचे का भी निर्णय किया, विशेष ध्यान रखें चौका लगाने वाले, 11 मंजिल से ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसे ही है ना, 11 मंजिल से ऊपर सफर नहीं करेंगे, नहीं है पता दिया दैदिस था आचार्य महाराज, कहीं कहीं मौका मिल जाता है 11 मंजिल चढ़ जाते हैं, ठीक है ना, 11 मंजिल से ऊपर नहीं जाना होगा, और बेसमेंट में कितना है 5 मंजिल तक नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा संकल्प आचार्य से के आदेश अनुसार हम लोगों ने किया है। तो मैं आप सभी लोगों से कह दूं कि हमारा ये रहेगा, और साथ में जो महामृत्युंजय मंडल है, कहाँ गए सारे बच्चे, ये बैठे हैं सभी लोग जुड़े हैं, अभी प्रधान जी की साथ माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, सुनाता कुछ है ना, ऐसा कुछ हुआ है वो नहीं आ पाए हैं। और आपको महत्वपूर्ण बता दूं, दो चतुर्मास किए थे वो तो मेरे साथ में एक महाराज थे, कितने थे, एक महाराज, और मैं था स्वरूप सागर जी, मैं था, पर इस बार आचार्य महाराज के पास गया, अब एक के साथ कितने लाया हूँ, 2 लाया हूँ। और बता दूं मैं, ये दोनों नए साधु हैं, इनका परिचय करा दूं, इनकी दीक्षा भी एक
माह ही अभी शायद हुआ है इनको दीक्षा लिए, कल एक माह इनको होगा, और माता जी को भी शायद 2 या 3 4 महीने हुए हैं यहाँ पर, हाँ 3 4 महीने इनको दीक्षा को हुए हैं। सभी नए दीक्षित साधु मेरे साथ में हैं, तो मैं कहूँगा आप लोग भी इनके साथ में इनका साधना में सहयोग प्रदान करें, ठीक है ना। ये नए नए साधु छुल्लक जी हैं, माता जी नाम बता दूँ, इनका नाम ऋषि सागर महाराज है छुल्लक, इनका सुमार्ग श्री माता जी है, और मेरा आप जानते हो क्या नाम है, नहीं जानते क्या? हाँ यहाँ के लोग तो मेरे को नाम से जानते हैं, सुरत्न सागर नाम। जय बोले मुनि श्री सुरत्न सागर जी मुनिराज की। बता दूं दिल्ली में सब नाम से जानते हैं, और जब दिल्ली से बाहर अपनी आगरा साइड चला जाता हूँ ना, तो नाम से नहीं जानते मेरे को, वहां तो कहते हैं छोटे महाराज से मिल लो, बस वहाँ छोटे महाराज का नाम चलता है, मेरा नाम से मेरे को बहुत कम जानते हैं, वहाँ छोटे महाराज जानते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी मंडल यहाँ पर आए हैं, चाहे महिला मंडल हो, चाहे राजगढ़ का हो, शांति मोहल्ला का हो, रघुवरपुरा का कोई मंडल हो, सारे जो जो मंडल आए हैं उन सभी को मंगल आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी लोग चतुर्मास में अपना अपना सहयोग प्रदान करें, समय समय प्रोग्राम आते रहें, आपका जीवन मंगलमय होगा, और समाज को और जितने भी लोग यहाँ आए हैं सभी को मंगलमय आशीर्वाद। आप सभी लोग अपने जीवन में खुश रहें और चतुर्मास में आते रहें, आते जाते रहोगे तो रिश्ता मजबूत रहेगा, और आते जाते नहीं रहोगे तो क्या होगा, समझे ना, इसलिए आते जाते रहो। बोलिए महावीर भगवान की। अभी अभी 5 मिनट सभी बैठे रहेंगे, 5 मिनट और लगेंगे सिर्फ प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम के लिए आप लोग आए हैं, मंगल कलश स्थापना का जो हमारा आज का प्रोग्राम है, मुख्य प्रोग्राम वही है, मंगल कलश अभी स्थापित होने हैं, अभी आप लोग ना जाएं, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, और आप सभी के भोजन की व्यवस्था मंदिर जी के बाहर की गई है। आप सभी से निवेदन करता हूं, श्री मुकेश कुमार जी जैन की तरफ से सभी से निवेदन करता हूं कि अवश्य भोजन ग्रहण करें, और मंगल आरती आज I'm not afraid of the dark.
आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनि बने आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।